सोलन के निजी स्कूल में मलबा आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये व्यक्ति स्कूल में चौकीदार के पद पर तैनात था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक बच्चों को स्कूल के अंदर छोड़कर जैसे ही गेट के समीप पहुंचा तो अचानक पहाड़ से मलबा गिर गया। मृतक के साथ खड़े दो व्यक्ति तो पीछे हट गए, लेकिन मृतक मलबे की चपेट में आ गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सोलन अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए मृतक के परिजन ने बताया कि उनके मामा सरस्वती विद्या मंदिर में चौकीदार के पद पर तैनात थे और वह बच्चों को स्कूल में छोड़कर बाहर आ रहे थे। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचे, साथ लगते पहाड़ का मलबा गिर गया और वह उसकी चपेट में आ गए। मेरा नाम अंकुश है जी। जो मेरे मामा थे वो स्कूल को सुबह ड्यूटी बस पे थे, स्कूल के बच्चों को लेके गए। ये घर स्कूल के बच्चों को अंदर किया, गेट अंदर छड्डा, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए बाहर को आए गेट के पास को। जितनी देर में ऊपर से मलबा आया और उसमें फंस के चोट उनके सर पे लगी है जी, और अपने यहाँ छाती पे चोट लगी है और पाँव में चोट लगी है। चोट यहाँ पे लगी का मुँह से कान से खून खान निकल गया था। ऊपर बारिश ठीक हो रही थी उस टाइम, उन्होंने बच्चे भी अंदर कर दिए थे। बच्चे अंदर चले गए थे गेट से, वो वापस वहीं गेट के पास थे खड़े, वो पैदल आ रहे थे। बच्चे गाड़ी अंदर चली गई थी और उसके जितने देर में आए लाश आया, एक दो बंदे और भी थे वो बच गए।